नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। दिल्ली को घेरे बैठे किसान आंदोलनकारी, अगर नहीं हटे तो हो सकता है ऑपरेशन क्लीन प्रोग्राम। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा हवाई सर्वे भी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर इत्यादि का करवा लिया गया है और संख्या के बारे में जानकारी जुटा ली गई है और कोरोना रोग के फैलाव को कारण मानते हुए किसानों को वहां से समझाने का प्रयास किया जाएगा। वार्ता वहीं पर की जाएगी और अर्धसैनिक बलों व पुलिस की मदद से हो सकता है कि किसानों को वहां से हटा दिया जाए। गृह मंत्रालय ने इस आंदोलनकारियों को धरने से हटाने की, आपको बता दें कि रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इसके चलते हरियाणा सरकार को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि देश भर में कोरोना रोग की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता इसी रोग को रोकने के लिए है और 3-4 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हैं। सरकार को यह भी चिंता है कि कहीं ज़्यादा कोरोना रोग वहाँ न फैल जाए। इसको देखते हुए आंदोलनकारियों को समझाने का काम भी किया जाएगा। अगर किसान वहाँ से नहीं हटते हैं तो फिर पुलिस के बल पर हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार की तैयारियाँ केंद्र सरकार के स्तर से की जा रही हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि हरियाणा सरकार को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि हरियाणा सरकार के माध्यम से ही किसानों को हरियाणा सरकार के जो बॉर्डर है वहाँ पर बैठे उनको वहीं से हटाने की कार्रवाई करने की बातें सामने आ रही हैं। और किसानों को पहले मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर किसान वहाँ से नहीं हटते हैं तो फिर ऑपरेशन क्लीन कार्यक्रम के तहत वहाँ से कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और यूपी के बॉर्डर पर हवाई सर्वेक्षण भी करा लिया है, पता लगा लिया है कि कहां कहां किसान बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं और उनको किस प्रकार वहां से हटाया जाना है। अब यही सूत्र बता रहे हैं कि आंदोलनकारी किसानों को जल्द ही हटाने की कार्रवाई हो सकती है और कोरोना रोग को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, सरकारों के स्तर से जारी की जा रही है। कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, कई जगहों पर जो है समझाइश की कार्रवाई चल रही है। कोरोना गाइडलाइन को पालना कराने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। प्रत्येक राज्य के अंदर सरकारें कोरोना रोग को रोकने के लिए अपने तरफ से एहतियात के तौर पर कदम उठाने लग रही है। इसी की कड़ी में खबरें यही आ रही हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको जल्द ही वहां से हटाने की कार्य योजना गृह मंत्रालय के द्वारा बना ली गई है और इस आंदोलन को वहां से हटाकर भेजने की कार्रवाई पुलिस बल के द्वारा की जाएगी। अगर किसान वहां से हटते नहीं हैं तो टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि किसानों ने घोषणा की है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक कृषि तीनों अध्यादेश वापस नहीं होते नहीं हटेंगे। अब सरकार, भारत सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए धरने पर बैठे, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने की योजना बन रही है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।